दोस्तों काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो कुछ यूं कि निशान बन जाए, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी हीरो ग्रुप की, जिसकी शुरुआत ब्रजमोहन मुंजाल ने अपने तीन भाइयों के साथ मिलकर की थी। उनका सपना था कि आम लोगों को, गरीब लोगों के लिए ऐसी सवारी गाड़ी बनाना जिससे कि उनका ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाए, लेकिन उनके सपने को साकार करने के लिए उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी, लेकिन सपना बड़ा था, इसीलिए उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत साइकिल के पार्ट्स बेचने से स्टार्ट की। और साइकिल के पार्ट्स बेचने वाली यह कंपनी आज दुनिया की सबसे ज्यादा टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी कैसे बनी, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को मिले। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1923 में, जब ब्रजमोहन मुंजाल का अविभाजित भारत के कामयाला नाम की एक जगह पर जन्म हुआ। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद अब कामयाला पाकिस्तान में चला गया। ब्रजमोहन मुंजाल 20 साल की उम्र में अपने तीनों भाइयों के साथ दयानंद मुंजाल, सत्यानंद मुंजाल और ओम प्रकाश मुंजाल के साथ कामयाला से अमृतसर आ गए और उन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत साइकिल के पार्ट्स बेचने से स्टार्ट किया। और साइकिल के पार्ट्स बेचने से स्टार्ट हुई कंपनी आज दुनिया की सबसे ज्यादा टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। शुरुआत में 1954 में उन्होंने लुधियाना में साइकिल के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने हीरो साइकिल रखा। दो साल बाद 1956 में पंजाब सरकार ने साइकिल बनाने वाली कंपनियों के लिए टेंडर निकाला और ब्रजमोहन मुंजाल ने भी वो टेंडर भर दिया और सौभाग्य से ब्रजमोहन मुंजाल को वो टेंडर प्राप्त हो गया, जिससे उन्हें साइकिल बनाने का लाइसेंस मिल गया। और कुछ पूंजी, अपनी जमा पूंजी और कुछ सरकार की मदद लेकर, 6 लाख रुपया सरकार से मदद लेकर उन्होंने साइकिल बनाने का कारखाने की स्थापना की। शुरुआत में साइकिल बनाने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और शुरुआत में प्रोडक्शन भी कोई खास ज्यादा अच्छा नहीं होता था, लेकिन उन्होंने हिम्मत, लगन, मेहनत और साहस से अपना प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे प्रति साल 75 तो साइकिलें बनाने लगे। और साल 1975 तक हीरो साइकिल भारत की सबसे ज्यादा साइकिल बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी, लेकिन ब्रजमोहन मुंजाल यहाँ भी कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने अपना प्रोडक्शन और बढ़ाया और उन्होंने अपनी साइकिलों को विदेशों में बेचना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उन्हें विदेशी इनकम होने लगी और उन पर और पूंजी जमा हो गई। और इससे 1986 तक हीरो साइकिल भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा साइकिल बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी। और उन्होंने यह रिकॉर्ड अपना 2017 में ग्रीन जॉब वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कराया। आज के समय में हीरो साइकिल 16,000 साइकिलें प्रतिदिन बनाती है। साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हीरो साइकिल ने दुनिया भर में झंडे गाड़ने के बाद ब्रजमोहन मुंजाल ने इससे एक कदम आगे की सोची और एक नए बिजनेस की शुरुआत की। उन्होंने मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने पहली मोटरसाइकिल मोपेड ट्राइपॉड बनाई जो फेल हो गई, क्योंकि ना तो उनके पास मोटरसाइकिल बनाने का नॉलेज थी और ना ही टेक्नोलॉजी थी, इसीलिए उन्होंने 1986 में जापान की एक कंपनी के साथ हाथ मिलाया। जापान की कंपनी होंडा के साथ हाथ मिलाया और दोनों कंपनियों ने मोटरसाइकिल बनाने के लिए हरियाणा के धारूहेड़ा में एक कारखाने की स्थापना की। और दोनों कंपनी हीरो प्लस होंडा ने पहली मोटरसाइकिल CV100 लॉन्च की, जिसने मार्केट में आती धूम मचा दी, क्योंकि यह लोगों की जरूरत के हिसाब से बनाई गई थी। यह लोगों को माइलेज में बहुत अच्छी थी, कंफर्टेबल थी। और इसी वजह से 1986 से 2002 तक हीरो साइकिल 86 लाख मोटरसाइकिलें बेच चुकी थी। लेकिन दोनों कंपनियों ने कामयाबी की चारों ओर झंडे गाड़ने के बाद फाइनली 2011 में दोनों कंपनियों ने अलग होने का फैसला किया और 2011 में दोनों कंपनियां अलग हो गईं। लेकिन ब्रजमोहन मुंजाल ने अपना कारोबार हीरो मोटोकॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया और आज 40% यूजर भारतीय हीरो मोटरसाइकिल को यूज करते हैं। फाइनली 2015 में ब्रजमोहन मुंजाल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ से हमें बहुत कुछ सिखाया। दोस्तों देखा ना आपने कैसे साइकिल के पार्ट्स बेचने से स्टार्ट हुई कंपनी आज दुनिया की सबसे ज्यादा टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। गाइस, हौसले बुलंद और इरादे नहीं हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों आपने इस स्टोरी से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।